हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है JS Tips YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सेल में चार फॉर्मूलाज के बारे में, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। मेरे पास यहां पर चार फॉर्मूला है, कॉनकेटनेट का, कोड का, चार का और रोमन का। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन चारों फॉर्मूला का क्या काम होता है और कैसे इनका यूज किया जाता है कंपनीज लेवल में। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर देना। तो मैं जयपाल सिंह, लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास है कॉनकेटनेट का। मैंने यहाँ पर तीन एग्जांपल दिए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। पहला एग्जांपल है हाउ टू ऐड +91 बिफोर मोबाइल नंबर, दूसरा एग्जाम्पल है हाउ टू ऐड मिस्टर बिफोर नेम, एंड तीसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर है मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम है, दोनों को मुझे एक ही कॉलम में करना है। तो पहला यहाँ पर है हाउ टू ऐड +91 बिफोर मोबाइल नंबर। यहाँ पर क्या करना, जो भी मोबाइल नंबर है मेरे पास इन सभी के आगे से +91 ऐड करना है फॉर्मूला से। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे इक्वल कॉनकेटनेट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट वन में क्या करना, आपको कोटेशन मार्क को ओपन करना और यहाँ पर लिखना है +91, फिर कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे और कॉमा। टेक्स्ट टू में क्या करना, आपको सिंपली मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर देना है एंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे +91 यहाँ पर ऐड हो चुका है और इसको ड्रैग कर देंगे सिंपली नीचे की ओर, तो यहाँ पर सभी मोबाइल नंबर के आगे से +91 ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है मेरे पास हाउ टू ऐड मिस्टर बिफोर नेम, तो यहाँ भी सेम एग्जाम्पल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल कॉनकेटनेट ब्रैकेट ओपन टेक्स्ट वन। अब टेक्स्ट वन में यहाँ पर क्या करेंगे, आप फिर से आपको डबल कोट को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना मिस्टर, फिर कोटेशन मार्क को क्लोज कर देंगे और कॉमा। टेक्स्ट टू में क्या करेंगे, आप सिंपली नेम को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाम के आगे से भी मिस्टर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल है मेरे पास कि जो नाम है ना वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग है और मुझे यहाँ पर क्या करना है, दोनों को एक ही में करना है। वो एक ही में कैसे होगा, उसके लिए भी यहाँ पर आपको लगाना इक्वल कॉनकेटनेट टेक्स्ट वन में क्या करेंगे, आप फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर लेंगे कोमा। टेक्स्ट टू में क्या करना, आपको दोनों नाम के बीच में एक स्पेस देना है। तो स्पेस कैसे देंगे, कोटेशन मार्क को ओपन करेंगे, स्पेस कोटेशन मार्क को क्लोज करेंगे कोमा। और टेक्स्ट थ्री में क्या करना, आपको सेकेंड नाम को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों नाम एक ही में ऐड हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेटनेट का फॉर्मूला क्या काम करता है। अब दूसरा फॉर्मूला मेरे पास कोड का। अब कोड का काम क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि ये क्या काम करता है। तो कोड किसी भी अल्फाबेट को नंबर में चेंज कर देता है, कोड में चेंज कर देता है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा डेटा आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा है मैंने पंकज। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कोड में चेंज करेंगे। तो कोड में चेंज कैसे होगा, इक्वल टू CODE कोड ब्रैकेट ओपन और सिंपली यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर नाम स्टार्टअप किया और इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो भी अल्फाबेट था वो यहाँ पर कोड में चेंज हो चुका है। तो कोड का काम होता ही है कि वो अल्फाबेट को कोड में चेंज कर देता है। इसके बाद हमारे पास अगला फॉर्मूला है चार। अब चार का काम क्या होता है, अभी हमने क्या किया, अल्फाबेट को कोड में चेंज कर दिया। अब जो कोड आया ना, उस कोड को अगर अल्फाबेट में चेंज करना हो तो उसके लिए हम चार फॉर्मूला का यूज करते हैं। कैसे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मेरे पास वो सेम कोड है जो कोड यहाँ पर आया था, सेम कोड मैंने यहाँ पर टाइप किया। तो ये मुझे अल्फाबेट में चेंज करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं CHAR चार का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करेंगे फिर यहाँ पर डेटा को इंटर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नंबर में था वो यहाँ पर अल्फाबेट में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत है ये। कोड क्या करता है, अल्फाबेट को कोड में चेंज कर देता है और चार क्या करता है, नंबर को अल्फाबेट में चेंज कर देता है। अब लास्ट फॉर्मूला हमारे पास है रोमन। अब रोमन का काम क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है 1, 2, 3, 4 तो उसको आप रोमन गिनती में चेंज कर सकते हैं इजिली से। कैसे करेंगे, अगर मैं यहीं पर टाइप करता हूँ कोई नंबर 1, 2, 3, 4, अब मैं अगर इसको यहाँ पर रोमन गिनती में चेंज करूँगा इक्वल टू रोमन ब्रैकेट ओपन और सिलेक्ट करूँगा किसी एक नंबर को, टॉप सेल को इंटर,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डेटा था जो वो रोमन गिनती में चेंज हो चुका है। दोस्तों आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कैसे हम कॉन्कैटेनेट का यूज करेंगे, कोड का, चार का, रोमन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।